हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हमारा नया टॉपिक, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो ये हमारा एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, वर्क पावर एंड एनर्जी, और एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो हमारा सेकंड यूनिट में बनता है इस चैप्टर में से। इस यूनिट में हमारे पास दो चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस और एक वर्क पावर एंड एनर्जी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। ये हमारा यूनिट सेकंड का चैप्टर है। देखिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्क क्या है, व्हाट इज अ वर्क। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सेट टू डू वर्क व्हेन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। कि जब भी कोई फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी के ऊपर, तो जो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या हो जाता है, मूव करता है थ्रू सम डिस्टेंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी ने वर्क किया है। अब देखिए, आप एग्जांपल से समझिए। आपके पास सोच कीजिए, कोई बॉल है, फुटबॉल है, आपने इस बॉल को किक किया और इस बॉल की पोजीशन ये है, और ये बॉल यहां जब आपने इसे किक किया तो इस बॉल की पोजीशन यहां आ जाती है, यानी ये बॉल यहां पहुंच जाती है। तो जो वर्क हुआ हमने क्या किया, किक किया। तो मीन्स हमने क्या किया, कोई फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर। जब हम किसी भी चीज को किक करेंगे, इट मीन्स हम वी आर इम्प्लांटिंग सम फोर्स ऑन दैट पार्टिकल, तो ऑन दैट बॉडी। तो हमने उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से बॉडी क्या होती है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। तो यानी कि वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये सपोज कीजिए, हमारी बॉडी इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस हो गई, और जो ये डिस्टेंस है हमारा कितना है, एस है। तो अगर हम ये कहें कि यहां पर कितना वर्क हुआ है, तो वर्क को निकालने का फार्मूला होता है हमारा सिंपल वर्क को, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा फार्मूला है वर्क को फाइंड आउट करने के लिए। आप ध्यान रखेंगे, सभी क्वेश्चंस के अंदर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, जो वर्क है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगा। अब देखिए, सबसे पहला तो ये केस था हमारा, जो मैंने बताया आपको, इफ द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। आपने फोर्स को अप्लाई किया और फोर्स की डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्शन ये है, और बॉडी भी अगर इसी लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू डिस्प्लेस होती है, बॉडी की लाइन ऑफ एक्शन यानी कि बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि डिस्प्लेस हो रही है जो उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, और जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, और बॉडी की डिस्प्लेस होने की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी कि संगामी है। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि जिस जो हमारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उसी के अलोंग हमारी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। तब हम जो हमारा फार्मूला रहेगा वर्क निकालने का, कांस्टेंट फोर्स के केस में, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, तो वो हमारा क्या रहेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, जहां पे एस शो करता है हमारा डिस्प्लेसमेंट को, और एफ शो करता है हमारा फोर्स को। अब देखिए, यहां पर भी दो केस अराइज होते हैं। अब देखिए, मैंने बताया कि अगर हमारी बॉडी डिस्प्लेस होती है उसी लाइन के अलोंग जो हमारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, और फोर्स आपने जिस डायरेक्शन में लगाया है वो भी उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है हमारी बॉडी।
एक एक जो हमारा केस है ये हो सकता है कि हमारी बॉडी जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन तो सेम हो लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है वो ना होकर अपोजिट हो। यानी आपने देखा होगा कई केसेस में अगर हम किसी चीज के ऊपर किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जिस जहां हमने अप्लाई किया है फोर्स जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो आगे ना जाकर अगर हमने आगे फोर्स लगाया वो क्या आता है बैक आता है। तो बैक आने को मान लीजिए अब ये बॉल पे मैंने फोर्स लगाया बॉल इस तरीके से बनी हुई है कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है आपने फोर्स तो लगाया इस तरफ आपने फोर्स लगाया इस तरफ लेकिन बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है इस तरफ यानी कि बॉल हमारी जो है वो इस पोजीशन पर आ जाती है ए से एस की पोजीशन पर यानी ये डिस्प्लेस हो जाती है एस डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस एस है लेकिन इस आपने फोर्स लगाया था ए से बी की तरफ की डायरेक्शन में आप ये ध्यान रखिए और लेकिन बॉडी डिस्प्लेस हो गई किधर ए से सी की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट आपकी एस हुई लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हुई। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में हुई जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हुई। तो उस केस में हमारा वर्क डन निकालने का फार्मूला हो जाता है फोर्स इंटू में माइनस एस मीन्स माइनस एफ इंटू में एस यानी कि एफ एस सिंपल लिख सकते हैं। तो वर्क निकालने का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालने का फार्मूला माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कब है इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी डिस्प्लेस हो तो उसे बोलते हैं कि उस केस में हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए अब नेक्स्ट केस देखिए पहला केस हमने कौन सा किया अगर हमारी बॉडी की बॉडी बॉडी डिस्प्लेस होती है उसी लाइन के अलोंग जिस अगर उसी उसी सॉरी अगर हमारी बॉडी डिस्प्लेस होती है उसी लाइन के अलोंग जिस जो लाइन ऑफ एक्शन है किसकी हमारी फोर्स की यानी कि अगर बॉडी हमारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग डिस्प्लेस होती है तब उस केस में जो वर्क डन निकालने के फार्मूले हैं वो दो बनते हैं अगर बॉडी की डायरेक्शन डिस्प्लेस होने की और फोर्स की डायरेक्शन सेम है तब ये और अगर बॉडी की डायरेक्शन डिस्प्लेस होने की और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है उस केस में ये वाला हमारा फार्मूला रहेगा। तो आपको दोनों फार्मूले पता होने चाहिए कि हमारे फार्मूले क्या होते हैं। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि जब हमारा फोर्स कांस्टेंट फोर्स हो और जो हमारी बॉडी डिस्प्लेस होती है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इन दैट केस वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इफ द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सेम एंड वर्क डन इज इक्वल टू माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स and the displacement and the body displacement is opposite to each other। अब देखिए कई बार आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी जो है आपने किसी भी चीज के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया और वो जो बॉडी है वो डिस्प्लेस होती है थ्रू एन एंगल थीटा के इक्वल का मीन्स कहने का मीन्स क्या हुआ कि आप ये बॉल है आपकी आपके पास ये आपकी बॉल है आप इसको इधर ए से बी की तरफ क्या करना चाह रहे थे किक करना चाह रहे थे लेकिन जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में ना जाकर रोटेट कर जाती है एट एन एंगल थीटा पर इस एंगल पर ये रोटेट कर गई यानी इस एंगल पर रोटेट कर गई है किस एंगल पर थीटा एंगल पर रोटेट कर जाती है और ये पी पॉइंट पर पहुंच जाती है यानी कि जो ये डिस्टेंस क्या है हमारा एस है और फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है लाइन ऑफ यहां लिख देता हूं मैं
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि एफ जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और एंगल हमारा क्या है थीटा है, वो जो बॉल है वो जानी ऐसे चाहिए थी इधर नहीं गई, यहां आ गई है इस पोजीशन पर रोटेट कर कर। तो कई बार आप खेलते हैं तो आपने ऐसा भी देखा है कि ऐसा केस भी होता है। तो यानी कहने का मीन्स ये हुआ, जब हमारी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और बॉडी जो डिस्प्लेस हुई है जिस लाइन के अलोंग वो बॉडी डिस्प्लेस हुई है वो दोनों सेम ना हो बल्कि वो एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही हो, उस केस में जो हमारा वर्क डन निकालने का फार्मूला रहेगा इस केस के अंदर, ये पहले केस के दो सब केस थे इसमें एक ही केस बनेगा, तो वो क्या रहेगा फोर्स एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कोसाइन ऑफ द एंगल एफ एस कोस थीटा। ये कहने का मींस ये हुआ, ये फार्मूला ये बना एफ कोस थीटा इनटू एस, क्योंकि यहां पर जो फोर्स लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा फोर्स का रिजोल्व पार्ट लिया जाएगा, और कौन सा रिजोल्व पार्ट लिया जाएगा वो जिस लाइन के अलोंग हमारी बॉडी डिस्प्लेस हुई है उसके अलोंग जो हमारे फोर्स का रिजोल्व पार्ट बनेगा। अब आपको पता है एफ अगर हमारा फोर्स है तो इस लाइन के अलोंग जो हमारा रिजोल्व पार्ट बनेगा वो एफ कोस थीटा होगा और इधर हमारा जो बनेगा वो एफ साइन थीटा बनेगा। तो हमने ये रिजोल्व पार्ट लिया एफ कोस थीटा फोर्स, यानी यहां हमारा फोर्स ये इस फोर्स की जगह एफ कोस थीटा आ गया और इनटू में डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई वर्क डन इन दिस केस विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड वी कैन से मिक्स विद ईच अदर। तो ये हमारा दूसरा केस है कि इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो इस फार्मूले से निकाले जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चंस हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है कि जब हमारा जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स हो, जब हमारा फोर्स वेरिएबल फोर्स होगा तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में फार्मूला रहेगा वेरिएबल फोर्स के केस में, क्योंकि एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो अलग अलग पोर्शन की काम कर रही है तो वो डीएस का फॉर्म ले लेगी, इसलिए एस की बजाय क्या यूज हो जाएगा हमारा डीएस यूज हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो वेरिएबल फोर्स के केस में ये फार्मूले रहेंगे हमारे, ये मैंने बता दिया कौन कौन से केस में ये कौन सा केस है और ये कौन सा केस है, यानी कि ये वो केस है जब हमारी बॉडी डिस्प्लेस होती है उसी लाइन के अलोंग जो लाइन ऑफ एक्शन है किसकी फोर्स की, और ये वो केस है जब हमारी बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स बल्कि वो एक दूसरी लाइन ऑफ एक्शन बना लेती है जो एंगल बना रही है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के साथ कितने डिग्री का थीटा डिग्री का। तो ये फार्मूले आपने लर्न करने हैं, याद करने हैं, क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी ऑफ मास एम, यानी कि कोई बॉडी है मास एम की तो उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो काम कर रहा है तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हमारे पास तीन अलग अलग केसेस हैं। देखिए सबसे पहला केस है जब पार्टिकल मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि किसी कोई मास है m वो हम ऊपर से नीचे आ रहा है और वो थ्रू ए डिस्टेंस h नीचे आया है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया है, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा फोर्स, जो फोर्स होगा वो क्या होगा मास इनटू ग्रेविटी के फॉर्म में लगेगा और इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है h हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा एम जी एच, यानी कि जब हमारा पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस केस में जो वर्क डन होगा वो इस फार्मूले से फाइंड आउट किया जाएगा। और जब अगर हम पार्टिकल को ऊपर की ओर उछालते हैं, यानी हमने बॉल उछाली ऊपर डायरेक्शन में इस तरीके से इस पॉइंट तक हमने बॉल को क्या किया है उछाला है, तो यहां पर जो W आएगा वो हमारा एम जी एच आएगा विद
नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारे अब डायरेक्शन बदल गई है, तो ये ध्यान रखना आपने। दूसरा जो थर्ड पार्ट है हमारा, अगर कोई बॉडी स्लाइड करती है, देखिए इस तरीके से आप समझेंगे, कोई हमारा प्लेन है, आपने पार्क्स के अंदर झूला देखा हुआ है इस टाइप का, तो देखिए ये अगर अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है और ये लेंथ एल है, स्लोप एल है, तो और बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है हमारी, हमारी बॉडी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो इस जगह जो वर्क होगा वो हमारा वो क्या होगा, वो होगा एम जी एल साइन अल्फा होगा ये, और दूसरे जो केस में जो होगा वो माइनस एम जी एल साइन अल्फा होगा, ये किसमें, डाउन प्लेन, और ये जो है हमारा अप प्लेन का केस रहेगा, यानी इसमें बॉडी ऊपर से नीचे और इसमें नीचे से ऊपर जाएगी, तो उस केस में जो हमारे फार्मूले रहेंगे वो ये रहेंगे। तो ये हमारे देखिए ये सब फार्मूले हैं हमारे, जो हम इस वर्क की जो भी टॉपिक है वो जब हम काम करेंगे इन सभी फार्मूलाज का यूज करेंगे। तो देखिए आगे करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए करते हैं हम इसके एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ए मोटर कार वेटिंग 8 क्विंटल एंड रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज ब्रोट टू रेस्ट इन 20 मीटर बाय एप्लीकेशन ऑफ इट्स ब्रेक्स। वो कह रहा है देखिए कोई कार है जिसका वजन जो है वो कितना है, 8 क्विंटल है, जो जो चीजें दी हुई है सबसे पहले तो आप लेनी चाहिए। देखिए तो हम लिख लेते हैं, आपको मोटर कार का वेट दिया हुआ है, यानी कि वेट ऑफ द मोटर कार मींस जो वेट है वो किसका काम करेगा, मास का, यानी कि ये मास दिया हुआ है आपको, वेट कहिए या यहां पर हम मास कह सकते हैं, मास ऑफ द मोटर कार इज 8 क्विंटल। इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 800 किलोग्राम। हाँ जी, अब उसके बाद देखिए जो ये मोटर कार है जिसका वेट 8 क्विंटल है वो रन कर रही है एट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी एक्सीलरेशन से, तो वेलोसिटी से, तो जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है यहां पर, 10 मीटर पर सेकंड है मोटर कार की, तो ये 10 मीटर की जो वेलोसिटी से क्या कर रही है, रन कर रही है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ कार 10 मीटर पर सेकंड इज ब्रोट टू रेस्ट इन 20 मीटर्स बाय एप्लीकेशन ऑफ इट्स ब्रेक। देखिए गाड़ी चल रही है, ये कह रहा है कि इस स्पीड से गाड़ी चल रही है, इतने इसका वजन है, तो अगर हम उस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, तो वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी, ये कहने का मींस है, यानी यहां फोर्स अप्लाई किया तो वो यहां रुकेगी 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद, यानी ये आपकी क्या दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, तो यानी आप ये देखिए ये हमारी क्या दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी, 20 मीटर है। अब वो कह रहा है फाइंड दी वर्क डन, वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है बाय फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू इट्स ब्रेक्स, यानी कि फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से कितना वर्क डन हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए वर्क डन, वर्क डन का फार्मूला क्या लगेगा यहां पर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास देखिए से कहिए इक्वेशन नंबर 1, अब आपके पास देखिए डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन आपके पास फोर्स नहीं है, फोर्स आपको निकालना है, फोर्स आपको यहां पर निकालना पड़ेगा, और कौन सा फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस
देखिए क्वेश्चन करने से हमें पता चलेगा, जब हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे भी क्या चीज निकालनी है, उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो चीजें कैसे निकलेगी, वो हमारे को पर्टिकुलरली सीखना होता है। देखिए फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्स जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, हम पढ़कर आए हैं ये मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, एम इंटू आर। यहां पर मैंने एम का मीन्स हमारा मास और आर का मतलब हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह मैंने ए यूज करना था लेकिन आर यूज किया है क्योंकि यहां एक्सेलरेशन जो है वो इन टर्म ऑफ रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मीन्स ये होता है जब कोई चीज रेस्ट की पोजीशन में है और हम एक्सेलरेट कर क्या करते हैं, उस चीज को चलाते हैं, तो क्या होता है तब एक्सेलरेट, हम कहेंगे वो चीज एक्सेलरेट कर रहे हैं यानी कि एक्सेलरेशन होती है वहां पर। लेकिन जब कोई चीज चल रही है और उसको रोकते हैं तो यानी कि वहां पर एक्सेलरेशन क्या कर रही है, अपना मैग्नीट्यूड जो है वो लॉस कर रही है, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या फॉर्म ले लेती है, वो रिटार्डेशन की फॉर्म ले लेती है, तो वहां पर हम उसको एक्सेलरेशन ना कहकर रिटार्डेशन कह देते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर यूज किया है रिटार्डेशन का। अब देखिए, अब आपके पास यहां पर मास है, मास कितना है आपके पास, ये देखिए मोटर कार का 800 kg है। अब रिटार्डेशन नहीं है, अब रिटार्डेशन कैसे निकलेगी, अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए आपको यहां पर दी हुई है, आपने देखिए इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, ये चीज देखिए वेलोसिटी दी हुई है आपको कार की 10 m/s, ये क्या है हमारी, यानी कि जिस चीज जो हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी होती है वो क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और जितनी हमें लानी है वो क्या होती है, हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो यहां पर देखिए ये हमारी क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी यू है, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, यानी कि जब कोई चीज हम रोक रहे हैं, आप खुद ही समझिए, जब रोक रहे हैं तो वहां पर हमारी वेलोसिटी क्या होगी, उस समय जीरो हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अब देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, रिटार्डेशन आपको निकालनी है, तो आपके पास तीन फार्मूले हैं, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, उन इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं यूज कर रहा हूं, आप यहां पर लिखिए, इसके बाद बल्कि ये करेंगे बाय यूजिंग v² - u² = 2fs। देखिए v² फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, f मींस एक्सेलरेशन, s मींस डिस्प्लेसमेंट, v आपके पास है, u आपके पास है, s आपके पास है, और यहां पे f की जगह किसका काम हो रहा है, r का, तो यहां पे r की फॉर्म में f है तो r का यूज करेंगे, और यहां से r हम निकाल लेंगे, यहां से r निकलेगा वो यहां पुट होगा, यहां पुट होने से हमारे पास फोर्स आएगा वो यहां पुट होगा, तो जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है, तो यानी कि इतना करने के बाद हम सबसे पहले ये करेंगे बाय यूजिंग v² - u² = 2rs। तो देखिए 0 फाइनल वेलोसिटी, यहां पर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 2, आर कितना है हमारा निकालना है, एस कितनी है हमारी डिस्प्लेसमेंट 20 है, यानी कि -100 = 40r, यानी कि r = 100/40, यानी कि हमारा ये आ गया 5/2। रिटार्डेशन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव ही आती है। हाँ जी, अब देखिए यहां पर यानी r आपका आ गया 5/2, वो ऑटोमेटिकली रिटार्डेशन है तो इसलिए वो नेगेटिव में ही रहती है, तो इसलिए नेगेटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है हमें और कहीं पर, तो ये सिर्फ ये दिखा देती है भी अगर हम एफ भी लेते वो नेगेटिव आ जाता, इसका मतलब ये रिटार्डेशन की फॉर्म में है, ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है। सो ये आ गई हमारी m/s², इतनी रिटार्डेशन हो रही है हमारी, ये आर है। अब उसके बाद पहला स्टेप आप ये करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 हमारा ये रहेगा, स्टेप 2 देखिए कर, अब स्टेप मैंने किए उल्टे थे लेकिन इनको लगाना अब आपने सीधे सीक्वेंस में है, तो क्योंकि अब आपको करने से तो यही पता चला ना, ये रफ में करके देखना होता है, ये चीज चाहिए है, फिर इसके लिए हमें जरूरत होगी इसकी, इससे हमें ये जरूरत होगी इसकी, तो लेकिन लगाएंगे हम सीरियल वाइज, पहले ये निकला इससे ये निकलेगा, सेकेंड स्टेप में 800 × r 5/2, यानी कि ये हो गया आपका 400, यानी कि 2000 फोर्स जो हुआ है आपका 2000
न्यूटन आएगा आपका फोर्स। अब देखिए ये हमारा फोर्स आया है और अब वर्क डन जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड जो होगा वो कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी 20, यानी कि ये आपका आ गया जूल। 2 2 4 और 4 0 लग जाएगी तो ये हमारा वर्क डन आएगा। तो इसको भी इक्वेशन नंबर 1 देने के नाम की जरूरत नहीं है, वो मैंने जानबूझकर दिया था, लेकिन हमें स्टेप तो ऐसे करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप ये होगा, फिर सेकंड स्टेप हमारा ये होगा और फिर थर्ड स्टेप हमारा ये होगा। ये देखिए इस तरीके से हम चलेंगे। अब देखिए सेम एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, वो भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहां पर दिया हुआ है सिर्फ 112 केजी दे दिया है आपको और यहां पर आपको दे दी है 22 मीटर पर सेकंड और यहां पर दे दिया है 50 मीटर। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन चेंज कर निकाल लेंगे। आंसर जो है वो बुक में इसका गलत दिया हुआ है। अगर आपकी बुक में ये दिया हुआ है 847 समथिंग दिया हुआ है कर वो रॉन्ग आंसर है। इससे आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। इस मेथड को अप्लाई कर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए पार्टिकल मूव अलोंग हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ 1/2 मीटर रेडियस। एक पार्टिकल है जो वो मूव कर रहा है, देखिए मैं इसका इधर कर रहा हूं, मैं अलोंग दी हाफ सेमी सर्कल जिसकी रेडियस आपको मैं सपोज कर रहा हूं क्या दी हुई है, हमें आर दी हुई है। ये हमें आर दिया हुआ है, हालांकि वो 1/2 मीटर है लेकिन मैं इसका यूज अभी बाद में करूंगा। तो देखिए अब यहां पर वो कह रहा है कैलकुलेट दी वर्क डन इफ दी फोर्स एट एनी पॉइंट इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू दी टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स जो है वो 20 न्यूटन का लग रहा है और जो हमारा जो टेंजेंट है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जहां पर हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, यानी एंगल की बात हो रही है। अब आपने यहां पर जो बात ध्यान रखनी है, अभी किस चीज की बात हो रही है, एंगल दिया था तो इस एंगल का फॉर्मूला जरूर लगेगा। तो यहां पर मैं आपको लिख आप अपने आप सकते हैं, देखिए और जो पार्टिकल वो मूव कर रहा है किसके अलोंग कर रहा है, सर्कल है हाफ जो सर्कमफ्रेंस के अलोंग हाफ सर्कमफ्रेंस ली है सर्कल की उसके अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि ये हमारा यहां पर वेरिएबल फोर्स रहेगा क्योंकि यहां पर जो हमारा जो पार्टिकल है वो मूविंग पोजीशन में है। ये ध्यान रखना है आपने यहां पर। अब देखिए यहां पर आपको फार्मूला जो वर्क डन हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, एफ कोस थीटा डीएस रहता है हमारा फार्मूला। और यहां पर देखिए कहां से स्टार्ट होंगे, हम 0 से स्टार्ट होंगे और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला सर्कल की क्या होता है हमारा 2πr होता है, लेकिन हमारा हमें कितना लेना है, हाफ सर्कमफ्रेंस लेनी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा πr हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने। तो इस फार्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे, बाकी सब चीजें अब आपको लिखनी आती है, आप अपने आप लिख सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए 0 2πr कितनी है हमारी 1/2 हमें गिवन है, तो वो हम यूज करेंगे। हमारा जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है, कोस 60 वैल्यू यूज करेंगे डीएस। अब यहां पर हमारा देखिए 20 बाहर आ जाएगा, 0 2π/2 कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कोस 60 की वैल्यू देखिए मेरे ख्याल से हमारी वैल्यू होती है 1/2, 1/2 भी बाहर आएगा। तो यहां पर अभी मैं यही लिख लेता हूं 20 × 1/2 डीएस, यानी कि ये आपका हो गया 10, यानी कि 10 आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एस 1 का इंटीग्रेशन आएगा और 0 2π/2 तो ये आ जाएगा आपका 10π/2 माइनस में 0, यानी कि 10 × π/2 यानी कि 10 ×
यहां पर देखिए फाई की वैल्यू हमारी है 3.14 आपको गिवन है और वाई में 2 करेंगे तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, यहां पर इसको मैं अगर पॉइंट हटाता हूं तो हमारा इनटू में 100 आ जाएगा क्योंकि मैं इसको इससे कट करने जा रहा हूं। तो यहां पर 2 1 2 2 5 10 और 2 7 ये आ जाएगा और 10 से 10 कैंसल यानी कि हमारा आ जाएगा 15.7 और जो भी हमारा इसका मेजरमेंट है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा यानी कि आ जाएगा 15.7 जूल में जो आएगा हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है वर्क डन ये देखकर कि हमें क्या चीज दी हुई है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन था जो मैंने किया है। आप बाकी सब चीजें लिख लेंगे, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू 1/2 मीटर, फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, वर्क डन इज इक्वल टू दिस, और ये फार्मूला अप्लाई करके आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना होता है। तो ये मैंने आपको इस फार्मूले का यूज करके भी दिखा दिया। लगभग लगभग मेरा ये एफर्ट है कि जितने भी हमारे जो क्वेश्चन हैं हर फार्मूला पर बेस्ड है वो मैं आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर कर दिखाऊं। तो देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए वो कह रहा है कि ए मैन इज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ए वेल विद ए लाइट बकेट। एक कोई आदमी है और वो क्या कर रहा है, वाटर जो हमारा वेल है कुआ है उससे पानी निकाल रहा है एक लाइट बकेट से, विच लीक्स यूनिफॉर्मली, और जो बाल्टी है हमारी जो हमारी बकेट है वो क्या कर रही है, लीक कर रही है। द पेल वेन फुल वेट्स 50 LBS एंड वेन इट अराइव एट द टॉप हाफ द वाटर रिमेन्स, यानी कि जब हमारी जो ये हमारी बकेट है ये फुल ऑफ वाटर की है, जब उसका वेट 50 LBS है और जब ये लीक हो रही है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली, और जब ये ऊपर पहुंचेगी तो ये हाफ रह जाती है, उसमें आधा पानी रह जाता है। तो हमें वर्क डन निकालना है इफ द डेप्थ ऑफ वेल इज 100 फीट, और डेप्थ जो है हमारी वेल की वो कितनी है, 100 फीट है। तो देखिए पहले डायग्राम हम इसका समझेंगे। सपोज कीजिए ये आपका वेल है, और इस ये जो है हमारा 100 फीट इसकी क्या है, हाइट है। तो हाइट ऑफ वेल ये आपको दी हुई है 100 फीट। अब देखिए यहां पर जो हमारी वेट यहां पर ये बकेट है, जो ये मैंने बकेट बना दी है, जो ये फुल ऑफ वाटर है, ये फुल ऑफ वाटर है आपकी बकेट, तो यहां पर जो इसका वेट है ये आपको दिया हुआ है कितना है, 50 LBS है, 50 LBS है, और जब इसको ऊपर खींचा जा रहा है, ये ऊपर खींचकर इसको यहां लेकर आए हम, यहां पर ये बकेट है, ये मैंने यहां पर सपोज कीजिए ये मैंने बकेट बनाई है, तो ये हाफ रह जाती है यानी कि कितनी रह जाएगी हमारी, 25 LBS रह जाएगी। तो हमें ये बताना है अब यहां से इसको खींचकर जब हम ऊपर लेकर आए 100 फीट की जो इसने डेप्थ कवर की है या हाइट कवर की है नीचे से ऊपर आने में, तो हमारा जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है। देखिए अब क्योंकि यहां पे ये मूव कर रही है, ये चीज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ और लीक कर रही है और वो चेंज होता जा रहा है। तो आप ये मैं ये सपोज करता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये एक्स पॉइंट पर, ये एक्स पॉइंट मान लेता हूं मैं, और ये जो डिस्टेंस है थोड़ी देर थोड़ा जो ये डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं डेल एक्स है, ये डेल एक्स है और ये एक्स है हमारा, ये मैंने सपोज किया। अब ये देखिए आप, तो ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट आप सपोज कर लीजिए, ये हमारा पी पॉइंट है ये क्यू पॉइंट है और ये डिस्टेंस जो है वो डेल एक्स है, जो पी से क्यू तक जाने में जो वर्क हुआ है तो वो कितना हुआ है, डेल
W हुआ है। इतना वर्क डन निकालूंगा मैं P से Q तक जाने का और फिर उन सबको ऐड कर दूंगा। ऐड कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन की हेल्प से, इंटीग्रेशन लगाना है सिर्फ हमें, तो हमारा इसका टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब हम करेंगे कैसे, देखिए आप, देखिए अब आप यहां पर देखिए जो वेट है, वेट ऑफ बकेट व्हेन इट इज फुल, जब ये फुल है कितना है 50 lbs है। अब देखिए, अब मेरे को ये निकालना है कि x पॉइंट पर, जब x डिस्टेंस पर मास जो होगा वो वाटर का जो होगा वो कितना होगा x फीट पर। अब देखिए मास ऑफ वाटर जो है, मास ऑफ वाटर एट 100 feet, एट 100 फीट पर कितना है, देखिए मास ऑफ वाटर। अब हमें ये दिया हुआ है, गिवन है कि जब ये जो बकेट है ये 50 lbs इसका वेट है, यानी वाटर का वेट है 50 lbs है, और जब ये यहां पहुंचती है तो वो 25 lbs की वेट इसमें रह जाता है वाटर का। तो इसमें देखिए लाइट बकेट है, यानी कि ये नेगोशिएबल है, हम ये मानकर चल रहे हैं जो हमारी बकेट का वेट है। अब देखिए, यानी और ये 100 फीट है, यानी कि 100 फीट की हाइट को कवर करने के बाद जो मास ऑफ वाटर है वो कितना है हमारा 25 lbs है। तो 25 lbs, और ये मैंने डिस्टेंस लिया है एक्स फीट, ये एक्स फीट मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है। तो ये मैं निकालना चाहता हूं कि x फीट पर जब हमारी पेल जो है, x क्या लिया है, x फीट मैंने आर्बिट्रेरी डिस्टेंस लिया है, भी किसी भी पॉइंट P लिया है, P आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और आर्बिट्रेरी पॉइंट पर जो डिस्टेंस है हमारा बेस से वो x फीट है। तो जो मास ऑफ वाटर होगा 1 फीट पर वो कितना होगा 25/100, यानी कि 1/4 lbs होगा, यानी कि जो मास ऑफ वाटर होगा एक्स फीट पर कितना होगा वो 1/4 xlbs होगा। यानी कि एक्स फीट पर हुआ मास ऑफ वाटर एट एक्स फीट। अब वेट ऑफ वाटर जो होगा एट एक्स फीट पर, एट द हाइट एक्स फीट, तो वेट ऑफ द बकेट एट एक्स फीट कितना होगा 50 में से इतना जो वेट है उसको क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो वो माइनस एक्स बाय 4 lbs होगा। यानी कि टोटल देखो यहां पे 50 था, यहां तक का कितना है एक्स बाय 4 है, तो इतना लीक कर गया ना, इट मीन्स ये हुआ लीक करने के बाद कितना बचेगा 50 में से इतना माइनस कर दिया, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा हमारी बकेट का। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये वेट आया है किसका, बकेट का। अब हम सपोज कर रहे हैं डेल्टा एक्स बी दी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा डब्ल्यू बी दी वर्क डन। लेट मैं इसे यहां पर कर रहा हूं, देखिए लेट डेल एक्स बी दी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड डेल डब्ल्यू बी दी स्मॉल वर्क डन। तो यहां पर डेल डब्ल्यू किसके इक्वल आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है अब हमारा, फोर्स किसके टर्म में है, वेट की टर्म में है, वेट और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है हमारी, डेल एक्स हुई है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 50 माइनस एक्स बाय 4 इंटू में डेल एक्स। अब टोटल जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन यानी कि समेशन डब्ल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 50 माइनस एक्स बाय 4
डेल एक्स क्या बन जाएगा डीएक्स, यानी इतने डेल एक्स का अलग अलग निकाला सबका सम कर दिया वो डीएक्स बन गया, और ये कहां से कहां तक जीरो से लेके हंड्रेड तक, क्योंकि हाइट जीरो यहां पर जीरो है और यहां तक हंड्रेड फीट है, तो उसके हिसाब से अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 50x माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 8 और ये जीरो से 100, तो आपका आएगा 50 इंटू 100 माइनस 100 की स्क्वायर करेंगे तो बाय में 8 आ जाएगा, यानी कि आपका बनेगा 5000 माइनस 10000 बाय में 8, तो यहां पर बनेगा आपका 40000 माइनस 10000 यानी कि 30000 बाय में 8। अगर आप 30000 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा 3750 फीट एलबीएस, तो ये हमारा इसका वर्क डन आएगा। तो ये इस तरीके से आपको वर्क डन निकालना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से निकालना होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी जो हमने अपने बेसिक्स पढ़कर आए हैं हम छोटी क्लासेस के अंदर लोअर क्लासेस के अंदर, उनका हमने यूज कर वर्क डन निकाला है। तो ये जितने आप क्वेश्चन करते रहेंगे उतने आप परफेक्ट होते रहेंगे क्वेश्चन को करने में। तो देखिए नेक्स्ट, I'm gonna be a little bit of 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 a little